हेलो दोस्तों, आज मुंबई की रेस बहुत अच्छी गई। मतलब फर्स्ट टेस्ट में मैंने 2 घोड़े दिए थे, 5 नंबर और 12 नंबर, लेकिन मैं 5 खेला। लॉर्ड बैटर घोड़ा आउट हो गया, लेकिन 12 नंबर 2 रुपये में प्लेस आ गया। सेकंड टेस्ट में 2 और 3 दिया था, 3 खेला, 3 नहीं है, 2 नंबर थर्ड हुआ। और थर्ड रेस में 2 नंबर डेस्ट्रॉयर दिया था, घोड़ा जीता 15 के भाव में, 2.5 का प्लेस था। फोर्थ रेस में मैंने 4 नंबर प्लेस दिया था, लेकिन मैंने ग्रुप में मना भी किया था कि घोड़ा बिल्कुल गधे जैसा दिख रहा था। 2 नंबर खेला जूलियट, घोड़ा जीता 12-10 में। और फिफ्थ रेस में मैंने 3 नंबर दिया था ग्रुप में, और सॉरी 3 नंबर वीडियो में दिया था, लेकिन ग्रुप में मैंने 4 विन प्लेस दिया था। दोनों घोड़े आए हैं, दोनों 1-2 में हैं। और फिफ्थ रेस में 2 नंबर प्लेस दिया था, वो आउट हो गया। और लास्ट टेस्ट में 3 नंबर जीता। ओवरऑल प्रॉफिट रहा, और बहुत लोगों ने मुझसे आज कांटेक्ट भी किया था कि कुछ लोगों का लॉस हुआ था, क्योंकि वो 4 नंबर जो चौथी रेस में मना किया था जूलियट नहीं खेलने, कुछ लोगों ने उस 4 की प्लेस खेली, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने उनका कवर भी करवाया था और प्रॉफिट भी कराया था। तो आई होप आपका दिन भी अच्छा गया हो। मतलब मोस्टली घोड़े बोर्ड पर हैं, चाहे जैसे तैसे हों, प्रॉफिट में हूँ मैं भी आज। तो आई होप आपका दिन भी अच्छा गया हो, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा 500 सब्सक्राइब आज पूरा हुआ, और मेरा 100 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, और आज सबसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों को दिल से शुक्रिया। आई होप ऐसे सपोर्ट कीजिए, और मैं अपना बेस्ट देता हूँ। मेरा हैंडीकेपिंग ठीक है, मैं खेलता हूँ नहीं खेलता हूँ वो अलग चीज़ होता है, क्योंकि जो 3 नंबर में मैंने 2 नंबर दिया था डेस्ट्रॉयर, बोगड़ा थोड़ा सा भी हिलता तो मैं खेलता, मैं उसको स्किप कर दिया, क्योंकि एक तो पता था कि यार ब्रिड बहुत ही सुपीरियर है। लास्ट टर्न को मैंने इग्नोर इसलिए किया था क्योंकि इंसिडेंट हुआ था, लास्ट टाइम भी बैटिंग हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल माल ही नहीं लगा, तो मैं छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, नहीं खेला। बोगड़ा जीता, और जीतना था, चाहिए भी था, क्योंकि सुपीरियर ब्रिड है, इतना पता था। तो मैं अपना प्रॉफिट किया जूलियट और मिस्टी खेलकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं खेला। हाँ, बस नहीं खेला, वो हमेशा दुख रहता है कि यार नहीं खेला, 15-15 का भाव था। कोई बात नहीं, सबका प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा आना चाहिए, वो बड़ी बात है। तो चलिए कल की बात करते हैं। 3 अप्रैल 2023, टोटल 6 रेसेस हैं अब, पूरी सब सारी रेसें ख़त्म हो चुकी हैं। अब दिल्ली, ऊटी और कलकत्ता बची हैं। कलकत्ता आई थिंक 3 रेसेस बाकी हैं, 3 या 4 रेसेस, और दिल्ली और ऊटी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊटी में भी अपना काम हुआ है, इस बार अच्छे रेस हुई हैं, जो चॉइस मतलब जो हैंडीकेपिंग रेस हुई वो हुई है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ऊटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से ऊटी में भी अपना काम करेंगे। तो कल की बात करते हैं, टोटल 6 रेसेस हैं, कार्ड थोड़ी सी अटपटी लग रही है, देख के खेलिए, जहाँ प्रॉफिट हो जाए बंद कर दीजिए, इतना बोलूँगा। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट टेस्ट, द अनदर चांस प्लेट, 4 हॉर्सेस, 3 ईयर ओल्ड ओनली, नो अलाउंस कैन बी क्लेम्ड, 1000 मीटर की रेस है, 245 को। यहाँ पर 6 घोड़े हैं, 1-2 की बैट है। दिल्ली में हमेशा यही प्रॉब्लम है कि 1-2 की बैट होती है। 2 नंबर मे बी फेवरेट खुलेगा। ये घोड़ा मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि ये घोड़ा 382 किलो का है, और मैं 400 के जी के नीचे का घोड़ा टच भी नहीं करता, भले जीत जाए। एक बार जो जीता था उस दिन भी मैंने दिया था, लेकिन मैं खुद नहीं खेला क्योंकि 400 किलो के नीचे था और जीत गया था। हो गया, घोड़ा को बहुत ही ये करके लाया था तो जीता था, लेकिन मुझे ये घोड़ा पसंद नहीं। अगर वेट पड़ा हुआ हो तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 1 लेमन पाए, जो कि कुंदन पासवान, 4 विन प्लेस, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। 1000 मीटर की रेस है, घोड़ा फ्रंट टर्नर है, लास्ट टर्न को इग्नोर कीजिए, कुछ इंसिडेंट हुआ था कल, ये घोड़ा अगर फ्रंट पकड़ के बैठ गया तो उड़ के चला जाएगा, प्लेस मिले तो प्लेस के लिए। देखिए बेटिंग क्या होती है, क्योंकि दिल्ली में बेटिंग ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर जाके घोड़े जी आते हैं बोर्ड पर। और यहाँ पर एक बार माल लग गया तो घोड़े उड़ते हैं यहाँ पर पूरा, तो देखिए के लिए। अब चलिए बात करते हैं सेकंड रेस, द पंटर्स प्लेट, क्लास 5 की रेस है, हॉर्स एटर 4-30, 1000 मीटर की रेस है। यहाँ पर भी 3:15 को, यहाँ पर 5 घोड़े हैं, यहाँ पर भी 1-2 की बैट है,
यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 4 एलेक्स, जॉकी शहजाद खान और इन प्लेस। ये रेस छोड़ देना आपके लिए बेटर होगा, लेकिन ये घोड़ा मुझे पसंद है, वन टू में प्लेस तो आना चाहिए। देखते हैं क्या वाव खुलता है। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द फेवरेट प्लेट, क्लास 3 की रेस है, हॉर्स रेटेड 40 to 66, 1600 मीटर की रेस है, 345 को। यहाँ पर 6 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 गाल पावर, जो कि डी एस द्वारा फॉर इन प्लेस। ये घोड़ा कल जीतना चाहिए, कुछ भी हो जाए, देखते हैं क्या भाव खुलता है। अगर चोरी नहीं हुई तो ये घोड़ा 1-2 से नहीं हटेगा, इतना बोल सकता हूँ। घोड़ा बिल्कुल हैंडीकेप में आ रहा है, घोड़ा लास्ट टर्न भी बहुत ही अच्छा था, कल ये घोड़ा जीतना चाहिए, देखते हैं क्या भाव खुलता है। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द गुड बैड प्लेट, क्लास 5 की रेस है, हॉर्स रेटेड 4 to 30, 1400 मीटर की रेस है, 4:15 को। यहाँ पर 8 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 8 सी नोस, जो कि अर्जुन और इन प्लेस। ये घोड़ा मेरा डे बेस्ट प्लेस है, अगर वेट सही रहा, इंसिडेंट नहीं हुआ, तो घोड़ा बोर्ड से नहीं हटेगा। लास्ट टाइम बहुत पीछे रखा था, इसीलिए घोड़ा थर्ड लगा था, कल अगर पोजीशन में बैठेगा तो इसको कोई बोर्ड से हटा नहीं सकता। अगर इसकी प्लेस मिलती है तो प्लेस के लिए इसकी। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस, द डेज बेस्ट प्लेट डिवीजन 2, क्लास 4 की रेस है, हॉर्स रेटेड 20 to 46, 1100 मीटर की रेस है, 445 को। यहाँ पर 7 घोड़े हैं, यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 ब्लू टाइगर, जो कि अमन फॉर विन प्लेस। ये घोड़े का लास्ट टाइम इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये घोड़ा लास्ट टाइम स्लो निकला था, कल ये घोड़ा गेट से सही निकलेगा तो नो बडी कैन टच दी हॉर्स, घोड़ा बोर्ड से नहीं हटेगा ये घोड़ा, अगर घोड़ा सही से गेट से निकलेगा तो। और देखिए क्या बेटिंग होती है, मुझे ये घोड़ा 1-2 में पसंद है। और ये अमन फिफ्थ रेस और सिक्स रेस में दोनों अच्छे घोड़े पे बैठा है, ये घोड़ा जिताना चाहिए, देखते हैं किसको चलाता है। अब बात करते हैं सिक्स रेस, द डे बेस्ट प्लेट डिवीज़न 1, क्लास 4 की रेस है, हॉर्स रेटेड 20 to 46, 1100 मीटर की रेस है, 5:15 को। यहाँ पर भी मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 2 थॉट्स, जो कि अमन फॉर विन प्लेस। लास्ट टाइम बहुत ही अच्छा था, कल ये घोड़ा जीतना चाहिए, अप्रेंटिस जॉकी को बैठा है क्योंकि अलाउंस का बेनिफिट है इस पर, तो कल भी ये घोड़ा जीतना चाहिए, देखते हैं क्या भाव खुलता है। तो फिफ्थ रेस और सिक्स रेस अमन के हाथ में है, दोनों में से एक घोड़ा चलाना चाहिए, या तो दोनों को जिताना चाहिए, दोनों घोड़े अच्छे हैं, तो देखिए फिर बेटिंग कीजिए। और बेटिंग का ट्रेंड बिल्कुल देखिए यहाँ पर, यहाँ पर माल लगता है तो घोड़े उड़ते हैं, दौड़ते नहीं पर उड़ते हैं, तो देख कर के लिए, डेली का रेस है। और कार्ड अच्छी लग रही है, 50-50 है, पूरा बेकार नहीं कह सकता कि बहुत ही सुपरियर नहीं कह सकता, 50-50 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से खेलेंगे तो पैसा बन जाएगा, और जहाँ पर ठीक से खेलिए, जहाँ पर पैसा प्रॉफिट हो जाए तो बंद कर दीजिए, ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कलकत्ता है और ऊटी तो अपना बेस्ट होता है, ये मैं बोलूँगा, दिल्ली से बेटर ऊटी अपना सुपरियर होता है। तो लेके खेलिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, और कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी टाइम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई चार्जेस वार्जेस की बात नहीं है। आज 2-3 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, जो फोर्थ रेस में गलती हुई थी कि लोगों ने फोर्थ रेस में 4 की प्लेस खेली थी, तो 2-3 लोगों ने खेला, खेल कर हारने के बाद मुझे कॉल किया था, तो मैंने फिफ्थ रेस में उनको 4 नंबर विन प्लेस खिलाया था, तो ऐसी हेल्प हो जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बस आप पैसा कमाएं, प्रॉफिट में जाएं, ये मेरी कोशिश है। आई होप कल का दिन भी आपका अच्छा जाए, फिर मिलते हैं कलकत्ता की रेस में। गुड नाइट, गुड बाय।